जो ट्रेन पटरी पर चलती है वो इस समय हवा में है, जो बोगी जमीन पर रहती है वो इस समय आसमान में है। और स्थिति यह है कि आसमान में न सिर्फ बोगी टंगी है बल्कि पूरी की पूरी सीट इस समय झूल रही है। इस सीट पर बैठ के यात्री सफर करते हैं और इस समय इस सीट ने न जाने कितने लोगों के खून से भरे पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। ये पैर के निशान उन लोगों के हैं जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और यहाँ से अपनी मंजिल तक जा रहे थे, लेकिन मंजिल तक तो नहीं पहुंचे। ये खून के निशान, ये बैग, ये सामान, ये जाली, ये फल, ये सामान, ये पानी, ये हर वो चीज जो एक यात्री अपने साथ लेकर चलता है वो सब यहाँ पर निशानी के तौर पर है। आलम यह है कि ट्रेन की बोगी नहीं, ट्रेन के अंदर के सारे पार्ट्स बाहर आ गए हैं। धक्का इतना तेज था दोनों ट्रेन में कि तबाही मच गई, और तबाही भी ऐसी जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी ले ली है। और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार है कौन। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, बालासर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज़।